नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एंड रेजिस्टेंस आर इज प्लेस इन ट्रांसफर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। इफ इट सडनली चेंज इन टू सर्कुलर फॉर्म इन टाइम टी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, पहले करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ईएमएफ का कितना होता है, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होता है। तो करंट कितना होता है, ई अपॉन आर होता है। तो माइनस डी फाइव बी बाई आर इंटू डी टी होगा, और करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, और जो है डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी होता है, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू यहाँ पुट करें ये वाली, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव बी बाई आर डी टी इंटू डी टी, डी क्यू की वैल्यू डी टी से डी टी कटा, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव बी बाई आर हो जाएगा। इंड्यूस चार्ज इंडिपेंडेंट है टाइम से, करेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, टाइम नहीं आ रहा इसमें। तो इंड्यूस चार्ज की डी फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो डी फाइव बी की वैल्यू क्या होगी, फाइव टू माइनस फाइव वन। अब दोनों की वैल्यू कितनी होगी, फाइव वन इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस, अच्छा ये ट्रांसवर्स है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ट्रांसवर्स का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा, तो कॉस जीरो। और एरिया यहाँ पर शुरू में ये एक स्क्वायर है और बाद में ये एक सर्कुलर लूप बन गया, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बी ए टू कॉस जीरो डिग्री होगा, पहले ये एक स्क्वायर था जिसका एरिया वेक्टर ये था, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सर्कल बन गया, उसका एरिया वेक्टर यही होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी यही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड बी। यहां पर भी थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री, यहां पर भी थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री, दोनों केसेस में थीटा जीरो डिग्री है, लेकिन यहां पर एरिया कितना है ए वन और यहां एरिया ए टू। अब ए वन ए टू की वैल्यू निकालनी है, तो ए वन इज इक्वल टू क्या होगा, साइड का स्क्वायर, साइड है ए, साइड है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसी क्वायल जिसकी लेंथ एल है उसी से आपको सर्कल बनाना है, तो जितना सर्कमफ्रेंस इसका होगा इस स्क्वायर का उतना ही सर्कमफ्रेंस इसका होगा, यानी मान लें स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 4a होता है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर होता है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, इसका मतलब है सी वन इज इक्वल टू सी टू, इट मीन्स 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, और ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a बाई पाई होगी, करेक्ट है। तो आपको इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड की जब बात आप करते हैं तो डी क्यू का मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड चाहिए आपको ना, तो डी फाइव बी बाई आर होगा। अब डी फाइव बी का मतलब फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव टू ये है, फाइव वन ये है, तो फाइव टू माइनस फाइव वन करेंगे तो क्या होगा, बी ए टू माइनस बी ए वन, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू वन होती है, अपॉन आर, अब बी कॉमन ले लिया अपॉन आर, ए टू की वैल्यू कितनी होगी, ए टू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर। अब आर और ए में क्या रिलेशन है, आर और ए में ये रिलेशन है, देखो आर स्क्वायर टू टू ए बाई पाई, यहां रख दो बी अपॉन आर डिवाइडेड बाई पाई इंटू फोर ए स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक पाई से एक पाई कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं डी क्यू का मॉड यानी चार्ज इंड्यूस चार्ज की वैल्यू निकालूं तो कितना आना चाहिए, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है बाहर आ जाएगा, बी ए स्क्वायर बाई आर ब्रैकेट में फोर फोर बाई पाई माइनस वन, ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ए स्क्वायर बाई आर, बी ए स्क्वायर बाई आर, बी ए स्क्वायर बाई आर, बी तीनों में है, फोर बाई पाई कहाँ है, फोर पाई यहाँ है, ये वाला डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।